of Turk Armed Forces. Pakistan, Turkey. A victorious, the marching column of Azerbaijan. Turk Armed Forces are the world's eighth largest and the second largest standing force in NATO. General Yashar Greer, Chief of Defense Staff, Turk Armed Forces, आज की इस यौमे पाकिस्तान परेड में खसूसी तौर पर शिरकत कर रहे हैं। पाक तुर्क दोस्ती की अक्कासी, पीस एट होम, पीस इन वर्ल्ड का नारा लिए, तुर्की का कौमी अलम उठाए सार्जेंट यासीन उतर, जबकि फर्स्ट लेफ्टिनेंट मुस्तफा सरेताश ने कमांडो कंपनी का अलम उठा रखा। गवाए मिलिए की खूबसूरत धुन पर मार्च करते हुए कैप्टन अली एहसान इस बावकार दस्ते की क्यादत कर रहे। पाक तुर्क ताल्लुकात सिर्फ सफारती और अस्करी शोबों तक ही महदूद नहीं बल्कि मईशत और बिलखसूस सकाफती वफूद के दौरों ने भी दोनों ममालिक के मजबूत तावुन में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। तुर्की ने मसला कश्मीर पर हमेशा एक जानदार मौकफ अपनाया है और पाकिस्तान की मुकम्मल ताईद की है। का फखर, पाकिस्तान का हौसला, पाकिस्तान का यकीन, द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, यही है आशियाने, उकाबों के मस्कन हमारे ठिकाने, मसाइब के तूफान, सलामी का खूबसूरत अंदाज, अल्लाहू के नारे लगाते हुए एसएसजी के दस्ते की क्यादत लेफ्टिनेंट कर्नल इरफान अहमद खान न्याजी कर रहे हैं जिनका ताल्लुक वन कमांडो यलदरम बटालियन से है। कमांडोज के इस दस्ते में लेफ्टिनेंट कमांडर बाबर निसार खान का ताल्लुक पाकिस्तान नेवी की 12 सील बटालियन जबकि स्क्वाड्रन लीडर इस्माइल मुस्तफा पाकिस्तान एयरफोर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आर्मर्ड कोर का दस्ता, चविंडा का महाजो या खेम कर, जिनका ताल्लुक 47 आर्मर्ड कैवेलरी का दस्ता, इस दस्ते में और T-80UD टैंक्स शामिल हैं। VT-4 का शुमार 3 टैंक्स में होता है जिसका मवाजना दुनिया के किसी भी टैंक से किया जा सकता है। एडवांस आर्मर प्रोटेक्शन, high maneuverability, exceptional firepower and state of the art technology से less, gun salute का खूबसूरत अंदाज armored core का दस्ता। PT-4 के बाएं जानिब हजरत खालिद बिन वलीद के नाम से मंसूब the pride of Pakistan heavy industries Tesla का तैयार करदा अल खालिद वन टैंक जिसका ताल्लुक 9 हॉर्स से है। मोबिलिटी जिनका ताल्लुक 187 मिसाइल रेजिमेंट आर्टिलरी से है। SPD का ये दस्ता जमी से जमी और फिजा से जमी पर मार करने वाले मिसाइलों और UAVs पर मुश्तमिल है। SPD के दस्ते में सबसे पहले पाकिस्तानी साख्ता रिकॉनसेंस UAV शापर 2 14 घंटे मुसलसल परवाज की अहलियत और जिसके अकब में उकाब और विटोल 1 का फ्लोट और जिसके बाएं जानिब 650 किलोमीटर के फासले तक हर तरह के वॉरहेड ले जाने की सलाहियत का 2 क्रूज मिसाइल जिसके अकब में 70 किलोमीटर रेंज का हामिल नसर मिसाइल सिस्टम कम फासले तक जमी से जमी पर मार करने वाला खुद साख्ता मिसाइल सिस्टम नसर मिसाइल सिस्टम जो इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने के अलावा मार और फरार की खुसूसी सलाहियत रखता है। इस दस्ते की क्यादत मेजर मोहम्मद अजीम राजपूत कर रहे हैं। नसर मिसाइल सिस्टम 70 किलोमीटर रेंज का हामिल जिसके अकब में बाबर 1 अल्फा क्रूज मिसाइल सिस्टम फिजा से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल सिस्टम जो कि 100% दुरुस्तगी के साथ रिवायती और गैर रिवायती हथियारों को 450 किलोमीटर तक मुकर्रा अहदाफ तक पहुंचाने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल के टेरेन हगिंग फीचर की बदौलत दुश्मन के लिए इसकी कबल अज़ वक्त निशानदेही करना नामुमकिन है।
इस दस्ते की क्यादत मेजर साकिब नवाज कर रहे हैं। 900 किलोमीटर रेंज का हामिल शाहीन 1 अल्फा बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, जमीन से जमीन पर मार करने वाला ये मिसाइल सिस्टम, इसमें खुदकार लेवलिंग, पोजीशनिंग और ओरिएंटेशन सिस्टम मौजूद है, जिसकी वजह से इस मिसाइल को कम वक्त में फायर किया जा सकता है। 1500 किलोमीटर रेंज का हामिल खुद साख्ता मिसाइल सिस्टम गौरी मिसाइल सिस्टम, जो कि कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल वेपन्स के हमरा अपने हदफ को 100% दुरुस्तगी के साथ। 2000 किलोमीटर रेंज का हामिल छोटे से दायरे में परेड वेन्यू के ऊपर घूमते विंग कमांडर अफान असलम, खूबसूरत मुजाहरा। Ladies and gentlemen, after the max rate turn, the aircraft is now heading towards left side of the venue, adjusting for the next maneuver called the Cubanate. आपके सामने पेश कर रहे हैं 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से परवाज करते हुए सलामी के चबूतरे के ऊपर फिजा में चांदनी बिखेरते पाक फिजाइया का F-16 फाल्कन। Pull up now. ये उठान गाजियाना, ये उड़ान फातिहाना,